सर भाइयों, आज मैं बताता हूँ आप लोगों को पार्ले के बारे में। पार्ले एक सबसे चर्चित कंपनी रही है भारत में 1929 से, जब अंग्रेजी शासनकाल था, और उसके बाद में भारत के आज़ाद होने के बाद भी इस पार्ले जी का नाम, पार्ले जी की प्रसिद्ध वैसे की वैसी बनी रही। और भारत के साथ साथ यूरोप कंट्रीज़ और उसके साथ साथ कई अलग कंट्रीज़ में पाया जाने वाला यह सबसे चर्चित बिस्कुट है। भारत के 78% बिस्कुट बाजार में इसका जमावड़ा आज भी बना हुआ है। इसके बाद आपका ब्रिटानिया का टाइगर और साथ में कुछ और भी कंपनियां हैं जैसा सनफीस्ट, वो आज बिस्कुट बाजार में सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। लेकिन लगातार इतने सालों से पार्ले जी ही एक ऐसा ब्रांड रहा है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, और लोग आज भी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। 30 सितंबर को इस कंपनी को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी इसकी उपलब्धता बनी हुई है, और इसके चहेते आज भी ये दुआ कर रहे हैं कि पार्ले जी बंद ना हो और ये मार्केट में बनी रहे, क्योंकि इसके प्रति विश्वास लोगों का अटूट है और ये बना हुआ है। लेकिन सबसे पहली चीज़, ये चर्चित हुआ अपने मोम के पेपर से, जो इसका एक मोम का पेपर आता था सफ़ेद और पीले कागज़ पर, आज वो पेपर प्लास्टिक का कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी हद तक कंपनी को एक बार नुकसान झेलना पड़ा था 1980-90 में, जब भारी बारिश के दौरान ट्रकों पर लदा माल गीला हो गया था। लेकिन बाद में इसको प्लास्टिक में कन्वर्ट करके आज इसको प्लास्टिक में यूज़ किया जाने लगा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इस पैकेट को खोला कैसे जाए, चूँकि जब सबसे पहले पन्नी का प्रयोग किया गया था, पॉलीथीन का प्रयोग किया गया था, तो उस समय इसको खोल पाना बड़ा मुश्किल काम था। और आज मैं आपको इसमें बताता हूँ कि पार्ले जी को खोलने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब कभी किसी चीज़ को खोलने का तरीका फाड़ना होता है तो उस पर टीयर का निशान बना होता है, जो कि इस पर कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको इस पर कहीं भी टीयर का निशान नहीं बना हुआ मिलेगा। जहाँ भी इसको खोलने का तरीका है, उसको खोलने का तरीका कुछ दुकानदार तक नहीं जानते हैं कि कैसे खोलना होता है, और कुछ मेरे भाई बंधु नहीं जानते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस पार्ले जी को खोलना बताना है। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है, ताकि आपका एक भी बिस्कुट, एक भी कुकी गिरे ना, आपका लॉस ना हो, और साथ ही साथ आप इसको बड़े प्यार से इंजॉय कर सकें। कभी कभी दो भाइयों या दो मित्रों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है कि मैं आधा लूँगा, मेरा आधे से ज़्यादा है, तेरा आधे से ज़्यादा है। और इसके लिए सबसे अच्छा बंटवारा करने का तरीका है कि पार्ले जी को आप सीधे ना पकड़ करके इसको आप जस्ट उल्टे साइड से पकड़िए। उल्टे साइड से जिधर इसकी डिटेल दी होती है, पार्ले जी में क्या क्या है, सारे इन्ग्रीडियंट्स उसमें लिखे हुए हैं, और यहाँ से पकड़ने के बाद में आपके दोनों हाथों के अंगूठे ये पार्ले जी के बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, एकदम दोनों राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे, हल्का सा उंगलियां आपकी नीचे दोनों साइड में, और इस दोनों तरफ आप प्रेस लगाएं, दोनों तरफ पूरी ताकत लगाएं। हल्का हल्का ताकत लगाने पर आपको पता थोड़ी देर बाद मिलेगा कि पार्ले जी अपने आप थोड़ी देर बाद ये खुल गया, और ये पार्ले जी आपके सामने है। आप इसको दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, दो अलग अलग लोग इसको आराम से शेयर कर सकते हैं, और आपका पार्ले जी बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में आपके सामने है।